हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एबॉर्शन के बाद हमको मिल्क डिस्चार्ज हो रहा है या फिर मिसकैरेज हमारा हो गया था, 3 महीने का मिसकैरेज हो गया था, इसमें भी हमको मिल्क डिस्चार्ज हो रहा है, तो क्या ये नॉर्मल है या फिर नहीं है? हमको क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहें। देखिए, एबॉर्शन के बाद मिल्क डिस्चार्ज होना कॉमन है। अब ये होता क्यों है? देखिए, जब आप प्रेग्नेंट थी, 2 महीने की प्रेगनेंसी थी या फिर 3 महीने की, आपने उसको टर्मिनेट किया या फिर खुद मिसकैरेज हो गया या फिर किसी कारणवश आपको DNC करवानी पड़ी, इस केस में अधिकतर फीमेल्स की यही सवाल होता है कि उनको मिल्क डिस्चार्ज हो रहा है, ये कब तक होगा, नॉर्मल है या नहीं है, ब्रेस्ट में पेन भी हो रहा है, हमको क्या करना चाहिए? तो देखिए, होता क्या है, ये होता क्यों है, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं। तो देखिए, जब आप प्रेग्नेंट थी, भले ही आपकी 3 महीने की प्रेगनेंसी रही हो, 2 महीने की प्रेगनेंसी रही हो, तो इस केस में होता क्या है कि मिल्क बनना शुरू हो जाता है, यानी कि आपके ब्रेस्ट उसी तरीके से काम करने शुरू हो जाते हैं जिससे एक प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है, पूरे 9 महीने मिल्क बनने की प्रक्रिया जो है वो प्रोसेस जो है शुरू हो जाता है, नेचुरली इस तरीके से होता है, आपका ब्रेस्ट जो है वो मिल्क के लिए तैयार होने लगते हैं। तो इस केस में आपको रही थी 3 महीने की प्रेगनेंसी, 2 महीने की प्रेगनेंसी, अब उसे आपने एबॉर्ट किया या आपका मिसकैरेज हुआ या फिर आपने DNC करवाई, किसी भी कारणवश हो सकता है, तो इस केस में आपको 1 से 2 हफ्ते तक मिल्क डिस्चार्ज दिख सकता है और ब्रेस्ट में पेन भी आपको रह सकता है। डॉक्टर इस चीज़ को, यानी कि अगर आपको ज़्यादा ही डिस्चार्ज हो रहा है, उसको उससे रोकने के लिए आपको टैबलेट दे सकते हैं, दूसरा पेन किलर आपको दे सकते हैं डॉक्टर। आपको घर पे किन बातों का ध्यान रखना है? देखिए, आपको एक तो पहले बात तो आपको सपोर्टिव ब्रा पहननी है, यानी कि जिससे कि आपको पेन इतना ना हो और आपको कम्फर्टेबल आप रहें, एक सपोर्टिव ब्रा आपको लेनी है। दूसरा, अगर आप डिस्चार्ज आपको हो रहा है तो पैड आप यूज कर सकते हैं, जो ब्रेस्ट पैड आते हैं जो कि आपके ब्रा के अंदर से फिक्स करने होते हैं, वो आप ले सकते हैं जिससे कि आपके कपड़े ख़राब ना हो। दूसरा, कभी भी आपको जो ये दूध निकल रहा है इसको दबाना नहीं है, अपने निप्पल्स को दबाना नहीं है कभी भी। दबाने से क्या होगा कि और भी ज़्यादा आपको पेन हो सकता है, और दूसरा इन्फेक्शन का काफ़ी ज़्यादा रहता है डर। तो उनको डिस्चार्ज होने देना है जिस तरीके से हो रहा है, आपको बस साफ़ सफाई का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है, सपोर्टिव ब्रा आपको पहनना है, दूसरा दबाना नहीं है आपको जिससे कि आपको इस इन्फेक्शन वगैरह का डर रहे, दूसरा पेन किलर, ज़्यादा आपको पेन हो रहा है या फिर मिल्क डिस्चार्ज ज़्यादा हो रहा है, इसमें आपको डॉक्टर मिल्क बंद होने वाली टैबलेट भी आपको दे सकते हैं। तो इन कुछ पॉइंट्स का आपको ध्यान रख के आप इस चीज़ से निकल सकती हैं जी। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। कोई भी सवाल है तो नीचे कॉमेंट में ज़रूर लिखें, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सवाल का जवाब देने का। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।